जैसे थी मैं वैसे ओले 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 ओ शिट दैट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस हम लोग अभी बाबा बालकनाथ जा रहे हैं और हमने ऐसे थोड़ी देर सीन भी चेंज करने के लिए ब्रेक ली थी दिस ढाबा लुक सो एलीट डो डो दो इतनी ठंडी है कुछ दिख ही नहीं रहा है देखो ये नॉर्मल है मैं तो लाइट वो करके दिखा रही थी अब देखो बुरा ही हाल है बुरा हाल सुबह सुबह क्या तैयार होके आना था मैं जैसे थी मैं वैसे आ गई आई लुक लाइक दिस राइट नाउ कल मैं सामान लेके आ गई भाई बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें दिखूँगी नहीं इधर से दिखूँगी वहाँ ढाबे की लाइट आ रही है मेरे मुँह पर हाँ तो हम सुबह 5:30 निकल गए थे अभी बज रहे हैं 6:30 पे भी इतनी रात और इतनी फॉग है तो देख लो ये लड़का विदाउट एनी जैकेट यहाँ बैठ गया है कभी कभी तो मेरा मन करता है ना दूर चल जाऊँ मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती पता नहीं कौन है अभी भी हंस रहा है मैंने बोला इसको चढ़ने से पहले कि ओम मैं पीछे बैठूंगी तू सबसे आगे बैठ जाना मम्मा पापा को बीच में बैठने दे उनको वैसे कभी समय नहीं मिलता कि हम कभी भी घूमने वूमने जाते ना तो साथ में बैठ नहीं पाते हाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा देखो मैं वहाँ से आई थी ना हमें दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है देख रहे कहाँ जा रहे हैं हम हो गई यार बाद में कंटिन्यू करती हूँ ये सब ये जैकेट बहुत बढ़िया है यार हाँ यहाँ देखो हम पहुँच तो गए तो रास्ते में तो मेरी बैंड बच गई थी मुझे वो चक्कर खा के चक्कर मम्मा का दिल भी धड़क रहा है धड़कते धड़कते ये मतलब चक्कर खा के वो हो गई मतलब मुझे वो आते हैं चक्कर जब हम उस पर चढ़ते हैं ना तो मैं सोचता तो कॉम्ब करूँगी अच्छे से बन बन के जाऊँगी बट नहीं आज यहाँ पर रश कम है जब हम पिछली बार आए थे तब तो पापा और हम दर्शन ही नहीं कर पाए थे बिकॉज बॉयज़ की लाइन यहाँ जहाँ अभी हम बैठे हैं ना यहाँ तक भरा हाँ यहाँ तक भरा पड़ा था आज हमारी टर्न तो आ जाएगी अभी अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद चलेंगे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और हमने गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे खड़ी कर दी तो हम वहाँ से पैदल ही चल के आ रहे हैं तब से मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं किया अब अगर ठीक रहती हूँ तो आगे के टाइम में रिकॉर्ड करती हूँ रश कम है तो पुरुष और महिलाएं अलग अलग लाइन में चल नहीं रहे उस दिन तो पूछो मत लॉट्स ऑफ रश तो उल्टा ही हो गया है ना आज लेडीज़ के लिए ज़्यादा लेडीज़ है लेडीज़ का भी कम है पर उस दिन इससे भी कम थी और मेल्स का तो खाली है बस अब एक और सीढ़ियाँ चढ़ना है मैं वीडियो नहीं बना सकती आगे की सो यहाँ से फीमेल्स की जगह होती है और मेल्स की बिल्कुल उनके सामने से ही होती है मैं दिखा नहीं पा रही पर बहुत ज़्यादा सुंदर हो रखा है सब कुछ हर जगह करना जरूरी है हर जगह अपने नाम लिखे हुए हैं भगवान का नाम लिख के देख लो एक बार डैम यार पढ़ाई करा करो जो मुझे समझ आ रहे हैं मैं वही पढ़ रहा हूँ मैं क्या नहीं पता नहीं क्या लिखा इसको मैंने विलक्षण पढ़ लिया विशाखा को मम्मा आपके ना वाटर टोपी पीप्स हिमाचली टोपी इधर जो बाबा इधर जो यहाँ खाना खाने आए हैं इस जगह का नाम क्या है नकली बड़सर कौन सा ढाबा है ये शर्मा ढाबा मुझी ढाबा और बड़सर है ये ये हमारे जो गांव है इससे बीच हमारा गांव है उसका सबसे बड़ा मंदिर है
अभी हम गांव तो नहीं जा रहे बट मंदिर मंदिर में आ रहे हैं और ये मोस्टली वेरी कामिंग। ये हम कहाँ आ गए गाइस, ये गोविंद सागर झील है। यहाँ पर जब बारिश होती है ना तो सारी जगह पानी में चल जाती है, सिर्फ शिव जी की मूर्ति रह जाती है, वरना सारी जगह पानी में चली जाती है। जेट्स हाँ, सब कुछ है, सारा कुछ है। वाओ, चलो पहले जाया करें भगवान की। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर, पर यहाँ पर लोग ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। फिर भी थोड़े से लोग हैं पर बहुत थोड़े हैं, ऐसी जगह पर तो बहुत सारे लोग होते हैं। वरना जय शिव जी का पूरा इतिहास दिया हुआ है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेरी नज़र तो यहाँ टिकी नहीं रही, उधर झील है वहीं जाई जा रही है। और यहाँ पर ना सारे काइंड ऑफ एक्टिविटीज जेट्स की, पैराग्लाइडिंग, सब कुछ है। वो देखो ये जो जितनी भी जगह है जो मैंने आपको ऊपर दिखाई, ये सारी की सारी पानी में चल जाती है, सिर्फ वो जो ऊपर आपको शिव जी की मूर्ति दिख रही है इधर तक पानी आ जाता है, पूरा पानी ही पानी। क्या कमाल है। सस्ती पैराग्लाइडिंग हो रही है, मतलब वहां से शुरू करके यहाँ तक पैराग्लाइडिंग हो रही है, इतना सही उड़ा रहे हैं और थोड़ा सा ही। बट यार तुम देखो, शुक्र है जगह अभी कमर्शलाइज नहीं है इतनी, वरना क्या होता, यहाँ पर आधे भीख मांगने वाले होते, आधा कुछ आधा कुछ। अभी इट्स वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। मेरी जैकेट गिर गई, लग रहा है समुद्र में आए हुए हैं। इस लड़के को तो वो नहीं है, खतरों को खिलाड़ी बनना। पानी अब शायद हम बोटिंग करेंगे, मेरी मम्मी को पानी से डर लगता है, शी हाइड्रोफोबिक। पानी कितना ऊपर आने लग गया, अभी तक यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, वो यही खड़ा था, वेव्स आए हुए हैं। फुल है, देखना मैंने कहा था ना पानी ऊपर आने लग जाता है। मैं ऐसा क्यों है कि यहाँ पर पानी थोड़ा वो है और वहाँ पर ज्यादा रिपल्स है, टेल मी द रीजन अबाउट इट। ये भी पानी में ही आ गया, बैड ना, वेरी बैड। डरने जा रहे हैं, देखो मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता पर मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि आपने पैराशूट तो देख ही लिया, सिमिलरली मुझे यही लग रहा है। तो आप यहाँ आते हो, अपना एंजॉय करो, जय जय करो और जाओ। ये सब करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब तक ये बहुत बढ़िया नहीं, जब तक बहुत बढ़िया नहीं हो जाता। गुड लक, गुड लक, प्लीज़ कुछ और मत कर दियो, टफ लक बड़ी, गुड लक। हाँ और कुछ मत करना बस। जिस पे हम खड़े हैं ना वो हिल रहा है। लो
कहाँ चला गया हूँ? वो वहाँ जाके ऐसे करता है पापा, हमेशा रुकता है। इसको मजा भी आ रहा है, इसने मुंह तो कैसे सा बना रखा है। तो बंदा रहा है ना। हाँ, ओम तो बस बैठा है। Did you like it, Om? मजा आया? नहीं उतना नहीं, जब ऐसे कर दिया तब थोड़ा सा वो हुआ, 90 डिग्री टर्न, मेरे पता गीला हो गया पूरा। ओम तो इतना दूर तक गया, कैसे था पानी बीच में? मैंने चलाया वहाँ पे। दिखाती हूँ कितनी बेकार है पैराग्लाइडिंग ये, चाहे बात देखो गाड़ी से चला रहे हैं तो जगह तुम्हारी है, आपको परे रहो। ओम गिर मेरे मत जाना प्लीज भाई, मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा एक्चुअली। ये भी कोई पैराग्लाइडिंग होती है? हाँ गाड़ी इतनी नीचे ले आए, लोग भी नहीं देखे होंगे, और पैराशूट फटा हुआ है। माय गॉड।